जब एसआरके पठान और जवान जैसी मूवी करके और साल में 2000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करके और ऊपर से राजकुमार हिरानी भी डायरेक्टर हैं, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ना तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो टंकी का ट्रेलर 1 जब तक नहीं आया था तब तक लग रहा था कि वाह क्या मजा आ जाएगा, पर एक्चुअल में हुआ कैसा आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो टंकी की जो ट्रेलर 1 या टीजर 1 आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, उसको ड्रॉप 1 बोला जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लेवर स्ट्रैटेजी है क्योंकि ड्रॉप कहीं ना कहीं उस प्लॉट से डंकी के मेन प्लॉट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मूवी रिलीज होगी 22 दिसंबर इसी साल 2023 को और पहला सीन देख के ही मज़ा आ गई। एक जो बैकग्राउंड वाला म्यूजिक था, एक जो सेटिंग थी पूरी और एक जो फियर वाला माहौल बन रहा था जहाँ पर शाहरुख खान सब लोगों को लेके वहाँ से जा रहे हैं, वो सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पर उसके बाद ये टीज़र कहीं ना कहीं एक नॉर्मल बॉलीवुड मूवी जैसा लगने लगता है, क्योंकि आप अगर देखो इस टीज़र में तो दो ही जोक्स हैं मेनली। पहला वाला बहुत डार्क कॉमेडी वाला है जो डेथ के ऊपर मारा जा रहा है कि दादी की कसम खा ली फिर दादी की डेथ हो गई, मतलब पूरे कैरेक्टर्स को मारना मूवी वालों को जोक लगता है। मतलब डार्क कॉमेडी अच्छी है पर कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर ले तो वो ठीक नहीं लगती है। और दूसरा वाला है वो ही स्टीरियोटिपिकल वाला जोक, मतलब साउथ वालों का नाम लंबा होता है तो अब हंसो इस पर। अरे ऐसे जोक्स तो आजकल इंस्टा रील्स और पता नहीं यूट्यूब शॉर्ट्स पे कितने लोग हज़ारों बार मार देते हैं, तो जोक्स में तो ऐसा कुछ नहीं था जिसमें कुछ नया ऑफर कर पाएँ। पर मैंने अब इस मूवी की कमी बता दी है, तो बेस्ट बात ये भी है कि ड्रॉप 1 ने हमें असली काम की चीज़ दिखाई ही नहीं है और शायद मूवी हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर डाले, क्योंकि क्वालिटी की गारंटी तो हम आराम से ले सकते हैं क्योंकि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हैं। और आपको नहीं पता है कि मूवी किस बारे में है तो ये इलीगल इमिग्रेशन के बारे में है, मतलब एक देश से दूसरे देश तक जाना वो भी इलीगल तरीके से, और उसी पूरे प्लॉट को डोंकी फ्लाइट नाम का कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसके ऊपर डंकी वर्ल्ड बनाया गया है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जिन लोगों की शाहरुख खान केयर करते हैं और उनको वो लंदन ले जाना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों की डिज़ायर है बाहर जाना, तो एसआरके का कैरेक्टर कोई ना कोई तिकड़म बिड़ाएगा और उन लोगों को लंदन ले जाएगा। तो लास्ट में ओवरऑल सम अप करूँ तो ड्रॉप 1 ठीक ही था पर मैंने शायद कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा कर लिया था, पर अगर मूवी भी इसी ड्रॉप 1 की तरह निकली तो इस बार शायद 1000 करोड़ ना हो पाए क्योंकि शाहरुख खान की हैट्रिक होने वाली है। पर अगर मूवी अच्छी हुई और जिसके चांसेस भी हैं तो एक और 1000 करोड़ वाली मूवी आने वाली है और शाहरुख खान इसी साल में 3000 करोड़ का कलेक्शन कर लेंगे जो कि एकदम माइंड ब्लोइंग है। तो यही था आज की वीडियो में, आप बताइए आपको डंकी का ड्रॉप 1 कैसा लगा नीचे कॉमेंट्स में, और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।